हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, टुडे 26 अगस्त 2020 आई एम स्टार्टिंग योर ईवीएस क्लास। बेटा आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 5 नंबर चैप्टर, लेट्स प्ले गेम्स। आओ खेल खेलें। आज हम गेम्स के बारे में स्टडी करेंगे, अलग अलग तरह के गेम्स जो हमारे हम बचपन से लेकर के और बड़े होते हैं तब तक खेलते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो लोग बड़े होते हैं तब तक भी गेम खेलते हैं। तो डिफरेंट गेम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, मैनी गेम्स आर प्लेड बाई डिफरेंट वेज इन द सेपरेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलग अलग एरियाज में अलग अलग खेल खेले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हर एरिया की अपनी स्पेशलिटी होती है, खाने को लेकर के, कपड़े पहनने को लेकर के, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग गेम्स भी स्पेशलिटी होती है अलग अलग जगह की। तो जब राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग खेल खेले जाते हैं। अब हम देखते हैं, हो सकता है आपके भी किसी खेल का नाम आ जाए इसमें, जैसे कि मरदादी, है ना, मरदाड़ी होगा या मरदाड़ी होगा, सितोलिया, गिली डंडा, छिप्पा छिप्पी, पकड़ा पकड़ी। ये छिप्पा छिप्पी, गिली डंडा, पकड़ा पकड़ी, ये तो खेलते हो ना आप लोग, आर द कल्चरल गेम। ये हमारे कल्चरल गेम है, यानी कि हमारे मतलब लगातार हमारे साथ चले आते हैं और आगे हमारी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। विच कैन बी प्लेड बाई लिमिटेड सोर्सेज। इनको खेलने में हमें कोई खास सोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं होती है कि भाई कोई महंगी कोई इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ते हैं खेलने के लिए, कुछ नहीं होता, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। जैसे छिपा छिपी खेल रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, पकड़ा पकड़ी में भी कुछ नहीं चाहिए आपको, गिली डंडा में एक वो लकड़ी की गिल्ली और डंडा चाहिए होता है आपको। तो इनमें कोई आपका ये सितोलिया और ये मरदाड़ी, इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कौन से गेम है ये। वी एन्जॉय अ लॉट ऑफ प्लेइंग द गेम्स। और भी हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे कि घर चबूतरी, वो जैसे चबूतरा होता है ना घर में, घर चबूतरी कुछ कोई होता होगा, मैंने कभी खेला नहीं, आपने अगर खेला है पहचानते हो तो, घर चबूतरी, चौपड़, चौपड़ तो ये इसको चेस को ही बोलते हैं चौपड़, सिंह बाकरी, ये भी मैंने नहीं खेला है, और ये है अष्टचंगा, ये भी नहीं खेला है ना। तो अगर आपने इनमें से कोई खेल खेले हों तो मैनी गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल फेस्टिवल। कई बार त्योहारों के हिसाब से भी खेले जाते हैं कुछ जो खेल होते हैं। जैसे आजकल आप लोग देखोगे मकर संक्रांति पर, तीज पर पतंग उड़ाई जाती है, उड़ाते हैं ना, और मकर संक्रांति पे वो कंचे खेले जाते हैं, है ना, और तीज पे झूला झूला जाता है, है ना। तो इस तरह से कुछ खास त्योहारों के हिसाब से भी खेल होते हैं। इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति। मेवाड़ में सितोलिया खेल खेला जाता है मकर संक्रांति पे, ठीक है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज और सिटी। ये सच में ही आप लोगों को बताना है, यहाँ पे लिखना है कि आपके गाँव में या शहर में कौन से खेल खेले जाते हैं। विच गेम यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली एंड नियर बाय प्लेड विच गेम इन द चाइल्डहुड। द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली, आपके घर के जो बड़े हैं या फिर आपके जो आसपास में हैं, बाय प्लेड विच गेम। आप पता करो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, कि आप लोग बचपन में कौन सा खेल खेला करते थे, ठीक है। यहाँ कुछ गेम्स हैं और उनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है ये, जो इस तरह से आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में, इस तरह से खेलते हुए, ये गेम जो होता है स्टिक से, बॉल से, और एक ये बोर्ड होता है इस पर खेला जाता है, ये है बिलियर्ड्स। चेस, इसको लगभग सभी बच्चे जानते हैं, शतरंज बोला जाता है। आर्करी, जो धनुष से तीर लगा करके निशाना लगाया जाता है वो आर्करी। कबड्डी, कबड्डी बहुत फेमस गेम है, आप अच्छे से जानते हैं। रेस्लिंग, रेस्लिंग को भी लगभग बच्चे जानते हैं, जिसको कुश्ती बोलते हैं। हॉकी, हॉकी को भी जानते हैं बच्चे। टेबल टेनिस, ये भी आप लोगों ने देखा है, जानते हो। बैडमिंटन, ठीक है। तो ये डिफरेंट गेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिस्कस ऑन पिक्चर्स, आओ इन पिक्चर्स पर डिस्कस करें।
विच गेम्स आर प्लेड इन फिगर, ये जो फिगर्स दिखाए गए हैं इनमें कौन से गेम खेले जा रहे हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द टीम ऑफ कबड्डी, कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इन ग्राउंड, ग्राउंड में इनमें से कौन कौन से गेम खेले जाते हैं या आपके हिसाब से ग्राउंड में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं। विच आर द इंडोर्स गेम, घर के अंदर बैठकर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, आज आप बच्चे यही काम करोगे, आप ये थिंक एंड वेल, यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और यहाँ पर डिस्कस ऑन पिक्चर्स, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आज आप सभी बच्चे इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, बुक में सॉल्व कर लेना, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, व्हेन मोर देन वन प्लेयर, जब एक से ज़्यादा प्लेयर प्ले अ गेम, एक गेम को खेलता है, इन म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बना करके आपस में, भाई जब एक से ज़्यादा प्लेयर खेलेंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन तो बनाना पड़ेगा ना, देन द गेम स्पिरिट डेवलप, जिससे कि गेम की स्पिरिट डेवलप होती है। द गेम्स विच आर प्लेड इन ग्राउंड, वो खेल, वो गेम जो ग्राउंड के अंदर खेले जाते हैं आर आउटडोर गेम्स, या आप भी जानते हो आउटडोर यानी घर से बाहर जो गेम खेले जाते हैं मैदान में वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। वाइल द गेम प्लेड इन द रूम, जबकि जो रूम के अंदर बैठकर जो गेम खेले जाते हैं या घर के अंदर बैठकर जो गेम खेले जाते हैं और अंडर द रूफ या छत के नीचे जो गेम खेले जाते हैं कॉल्ड इंडोर गेम्स, उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। घर के अंदर खेले तो इंडोर गेम्स, घर के बाहर खेला जाए तो आउटडोर गेम्स। कबड्डी हैज बीन वेरी पॉपुलर नाउ अ डेज, आजकल कबड्डी एक बहुत ही पॉपुलर गेम हो गया है। व्हेन दूरदर्शन टेलीकास्ट इट्स लाइव मैचेस, क्योंकि जो दूरदर्शन जो चैनल है या फिर जो आपका टीवी है उस पर लाइव मैच दिखाए जाते हैं, यानी कि जब वहाँ पे मैच हो रहा होता है कबड्डी का तो वो डायरेक्ट आपको दिखाया जाता है, तो बड़ा ही इंटरेस्ट आता है उसको देखने में, साथ में कमेंट्री होती है, कमेंट्री के साथ साथ उन मैचेस को देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। आगे पढ़ने से पहले यहाँ इसी पेज पर ही एक ये सूर्य नमस्कार दिया हुआ है, आप सभी बच्चों को सुबह सुबह ये करना चाहिए। फर्स्ट नंबर स्टेप में इस तरह से आपको करना है, फर्स्ट नंबर स्टेप है ये, हाथ जोड़ के खड़े होना है। सेकंड नंबर में ये वाली पोजीशन लेनी है आपको, थर्ड में डाउन साइड, फोर्थ में इस तरह से, फाइव में इस तरह से, सिक्स में इस तरह से, सेवन में वापस फिर इस तरह से आ जाओ, फिर एट में वही वापस, फिर यही टर्न होते जाना है, नाइन, फिर ये टेन आपका यहाँ पे सेम आ गया है, फिर ये इलेवन सेम आ गया है, और ट्वेल्व में आप अपनी परफेक्ट पोजीशन में वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये सूर्य नमस्कार सभी बच्चे करके देखें और मॉर्निंग में सभी बच्चे ये करें, इसको करने से आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलेगा, एक दिन करके देखो। ठीक है बेटा, तो ये अपने आप में एक एक्सरसाइज भी है और साथ में इसे सूर्य नमस्कार का नाम भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज आपको मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, तो जो क्वेश्चन बताए इनको सॉल्व करना और जितना चैप्टर पढ़ाया गया है उसे रीड करना। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।